खबर भरतपुर से है, जहां पर्यटन तथा देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धौलपुर और करौली में कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश भी दिए। साथ ही जिले में स्वास्थ्य सर्वे, क्वारंटीन की व्यवस्था और राशन किट वितरण करने की संबंधित व्यवस्थाओं की फीडबैक भी ली। इसके अलावा मंत्री ने निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में निर्बाध पेयजल आपूर्ति और निर्बाध विद्युत सप्लाई की सुनिश्चित की जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उच्च तथा तकनीकी शिक्षा सचिव सुची शर्मा, एचसीएम रीपा के निदेशक अश्विनी भगत, धौलपुर जिला कलेक्टर आर के जायसवाल, करौली जिला कलेक्टर मोहनलाल यादव और साथ ही में धौलपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा और करौली पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार भी मौजूद रहे। और आपने कई चीजें जो सुझाव दिए हैं वो बहुत ही सटीक हैं और बहुत आवश्यक हैं। बिजली पानी की समस्या, आंधड़ भी आया है, उससे भी जूझ रहे हैं वो लोग। और सबसे ज्यादा जरूरी है इस गर्मी में, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो आम आदमी हो जो पलायन कर रहे हो, चाहे मेडिकल टीम्स हो, कोई भी स्टाफ जो ड्यूटी पे लगा है, आम जनता हो, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी प्यासा ना रहे। मेडिकल एड की अगर जरूरत है तो तुरंत मेडिकल एड उनको वो कराएं उपलब्ध। ये मेरा आपसे निवेदन, ये उनको निर्देश।